हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आए सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा मुंह देखिए गाइस, कैसा पूरा दागी दागी सा हो गया है पिंपल्स का वजह से। एनीवे, सो गाइस, आज है 26 अक्टूबर और आज भाई दूज है। ऐसे तो मोस्टली भाई दूज दिवाली के दूसरे दिन ही रहता है, बट इस ग्रहण के वजह से 2 दिन लेट है और भाई दूज के साथ साथ आज बृहस्पति वार भी है, तो मुझे पूजा भी करना है। तो भाई दूज का मुहूर्त में टाइम है 12 बजे से है, तो मैंने नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ, तो जा रही हूँ। पहले पूजा कर लूँगी अपना, उसके बाद फिर राहुल को टीका लगाऊँगी, तब तक टाइम भी हो जाएगा, 12 बज जाएगा। और ओके गाइस, चलो फटाफट पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, राहुल को टीका कर देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हो। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है गाइस, ये देखिए। तो बस अभी जा रही हूँ, राहुल को टीका करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। इसे देखिए, राहुल को इस साल भाई दूज पे मिला स्पेशल तोहफा। राहुल कैसा लगा? झूठ बोल रहा है। ए, और एक था तो कैसा लगा राहुल? झूठ क्यों बोल रहा हूँ? राहुल को क्या चाहिए? राहुल तुमको क्या चाहिए? देखने का इतना लालची मेरा भाई। नहीं, आमिर बनने की टेक्निक। आमिर कैसे बने? तो गाइस, राहुल को टीका कर दिए हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता मैं यहाँ पे चिया से पुडिंग खा रही हूँ, एक्चुअली पी रही हूँ। एक्चुअली खाना बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वाटर ही करके पी लेती हूँ। इसमें एक चम्मच हनी मिलाती हूँ, साथ में दूध है, वाटर मिला के मैं इसको पी लेती हूँ। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये देखिए गाइस, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो ये प्रोडक्ट आपने राहुल के हाथ में देखा होगा। एक्चुअली जीतक से प्रैंक कर रही थी, जब पार्सल आया था ना, मैं खोला नहीं था, मैं एक्चुअली पूजा करने जा रही थी, उससे पहले ही आया था, तो मैंने रख दिया था। तो जीतक से प्रैंक कर रही थी राहुल के साथ, तो मैंने ये ऑर्गेनिक से मंगाया है। तो मैंने ऑर्गेनिक से 3 प्रोडक्ट मंगाया। ऑर्गेनिक के का फेसियल मैंने यूज़ किया था तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ऑर्गेनिक से सनस्क्रीन एंड टोनर और फेस वाश मंगवाया है। एक्चुअली ऑफ़र चल रहे तो भी मुझे कम ही मिला, तो मैंने ले लिया 3 प्रोडक्ट। एक्चुअली जब भी मैं ऑनलाइन कुछ देखती हूँ ना गाइस, मुझे सब कुछ लेने का मन करता है, तो मैंने ये फ़िलहाल मैंने ये 3 प्रोडक्ट मंगाया है और मैं इसको पहले यूज़ करेंगी, उसके बाद आपको मैं इसका रिव्यू दूंगी। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूंगी लेने के लिए। पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हो गाइस सब? अभी बज रहे हैं 5:00 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। दोपहर में राहुल को टीका करके मैंने खिचड़ी खाया था। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे पास नया बाज़ार में भी पूजा हो रहा है, काली पूजा, तो वहाँ पे भोग नहीं बना था एक्चुअली, क्योंकि दूसरे दिन ग्रहण था, तो वहाँ पे आज बना, तो पापा लेके आए थे हम लोग के लिए, खाए, बहुत ही मस्त था। और खाने में भी आज बृहस्पतिवार, तो मम्मी ज़्यादा कुछ मतलब कुछ हल्का हल्का सा बनाई थी, चावल बनाई थी और हाँ, कुंदरू आलू का भुजिया बनाई थी, साथ में अचार, बस यही था। तो बस चाय बना रही हूँ, दूध वाला चाय बना रही हूँ गाइस। मम्मी का सर बहुत दर्द रहा है, वो मॉर्निंग में चाय नहीं पीती, एक्चुअली उनको एक टाइम चाहिए होता है चाय, तो मैं सोची अगर मम्मी के लिए बना रहे तो हम सब के लिए बना लेते हैं। तो बस चाय बना रही हूँ अभी, तुम भी की चाय की तब बढ़ गए, एक मेम्बर और बढ़ गया गाइस। और दूध थोड़े से और दूध थोड़ा सा गाइस, कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, क्या करें। ओके गाइस, चलो ब्लॉग बने रहो आप लोग। ये देखिए गाइस, फाइनली मेरी चाय हो चुकी है रेडी, मैंने मैनेज करके सबके लिए बना ही दिया चाय। तो बस अभी इसको हम इंजॉय करेंगे टोस्ट और बिस्किट के साथ। मम्मी से हाय, हाय बोली। चाय कैसे बना? ये देखिए गाइस, यहाँ पे बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ने आए, चलो बच्चे लोग हाय बोलो सब। अरे देखिए, हाय गाइस, चाय पी लो, 4 बज गए हैं, आप लोग भी चाय पी। 4 बज रहे हैं, टाइम नहीं देखा तो ठीक से।
अरे गीता मैडम का चाय यहाँ पे रखा हुआ है, वो कहाँ है पता नहीं। अरे देखो इसको, एक कप से मेरे पीछे पीछे घूम रहे। चलो 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 आओ इधर आओ। ये देखो आ रही है गाइस, देखो आ रही है। चलो 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 आओ 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 आओ। अब इसको देना होगा मुझे बिस्किट। बहुत परेशान करती है गाइस, बहुत सुपा से खाली पीछे पीछे। हम लोग को डर लगता है कि खुंदा ना जाए, पैर ना लग जाए, लेकिन पैर पैर का पास ही घूमते रहती है, बहुत डर लगता है। और खाते भी तो नहीं है, पूरा आधा तो छोड़ के चल जाती है। चलिए इसको छोटा छोटा ही देते हैं तो ठीक है गाइस, चलो इसको खाने देते हैं। मैं भी चाय पी लेती हूँ, आप लोग से बाद में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, क्या कर रहे हो सब? ठंड बढ़ गई है गाइस, ठंडा लगता है अभी थोड़ा थोड़ा सा। आप लोग के वहाँ पे बढ़ गया क्या, कमेंट करके बताओ मुझे आप लोगों को ठंड लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अरे मेरे पापा आके लग रहा है, देखिए गाइस मेरे पापा आ गए हैं, गाड़ी रख रहे हैं। मैं अपनी मम्मी खाना बना रही हूँ, खाने चावल बना रही है, साथ में परवल फ्राई कर रही है और साथ में रोटी भी बना रही है। और फिर से परवल फ्राई हो रहा है, बस यही है अच्छे खाने में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? सब अच्छे रहो, बढ़िया रहो। का मौसम काफ़ी अच्छा है गाइस, छाव छाव है, काफ़ी अच्छा है। और मेरे पापा गए हैं ड्यूटी, और बाकी सब मैं सब बाकी सब घर में है। मेरी मम्मी बना रही है खाना, चलो दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या बना रही है आज। ये देखिए यहाँ पे मम्मी सब्जी डुबा के रखी हुई है, तो साग बन रहा है मेरे घर में, तो ये मिक्स वाला साग है। इसमें तीन चार भाजी मिला हुआ है, पनघट्टी, उसके बाद में चोलई और भी क्या क्या है मुझे नाम ठीक से नहीं पता है गाइस। अरे देखिए यहाँ पे बरबट्टी आलू भी बना रही है, ये देखिए। चलो मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी दोनों साइड चावल मम्मी बना दिए, अब दोनों साइड कढ़ाई बैठा दिए। देखिए ये देखिए दोनों साइड कढ़ाई बैठा दिए, एक साइड सब्जी का एक साइड भाजी का। जब मम्मी खाना बहुत फटाफट बना लेती है, ये आई थिंक ये भाजी का और ये सब्जी का। तो बस गाइस यही बन रहा है घर में आज। दाल भी बनेगा, नारियल चटनी भी। अच्छा वो गाइस दाल और नारियल की चटनी भी बन रहा है, तो भूल ही गई थी। देखिए मम्मी यहाँ पे वेजिटेबल वॉश करके निकाल रही है। मेरा ना कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, कल बनाते हैं कढ़ी। ठीक है कल बना रहे। हाँ दही है, मेरी मम्मी के घर में दही दही जमाई थी, बाहर में तो काफ़ी कॉस्टली है दही, तो मम्मी जमाई थी घर में, तो बोला है मेरा काफ़ी मेरा ना कढ़ी खाने का, कढ़ी पकौड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस चलो मम्मी को बनाने देते हैं, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। मुझे भी मेरी मम्मी काम दे रही है भाजी लेकर, दो तो मैं अभी थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, भाजी वाजी को दे देती हूँ। चलो ब्लॉग में बने रहो आप लोग। दिवाली पूजा तो ख़त्म हो गई गाइस, काली पूजा भी ख़त्म हो गई, आज से छठ पूजा स्टार्ट है। तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा, जो लोग छठ पूजा करते हैं वो लोग को मुझे छठ पूजा बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है ये लोग पूजा। हम लोग भी जाते हैं, फ्रेंड्स लोग बुलाती है, हमारी मेरी फ्रेंड है पूजा, उनकी उसकी मम्मी करती है तो बुलाती है। पिछले साल गए थे हम लोग उनके साथ, इस साल भी जाएंगे। और तो बस देखिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, एक्चुअली पूजा तो हो गई है, तो दादी मौसी लोगों को प्रसाद देना, साथ में जो मैंने जो स्नैक्स बनाया था उसका रख देना, तो उस पैकिंग कर रही हूँ, राहुल जाके दे देगा। और छठ पूजा के बाद हम लोग जाएंगे दीदी के घर, तो उन लोगों को तब दे देंगे। तो बस यहाँ पर बैठी हूँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ, मम्मी बना रही खाना तो मैं पैक कर दे रही हूँ। ओके गाइस चलो ब्लॉग बने रहो आप लोग, पैक कर लेती हूँ फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, खाना वाना खा के मैं हो गई हूँ गाइस रेडी, मैं जा रही हूँ लाल के साथ दादी के घर। एक्चुअली पहले पापा के स्कूटी से जाने वाले थे, तो बट वहाँ एक्चुअली वहाँ जाने वाला ना रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो पापा बोले ट्रेन से चले जाओ, तो अभी 4:20 में ट्रेन है, तो हम उसी से जाएंगे। पहले मैं
सारा प्रसाद पैक किए, देन उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ा सा बैठी, थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके फिर अभी रेडी होके आप लोग से मिल रही हूँ। तो बस राहुल रेडी होगा फिर हम लिख लेंगे। और चलो आज ना गीता सॉफ्ट जो सॉफ्ट वाला पेंट आता है ना न्यू, उससे ड्राइंग बना रही है। रुके मैं आपको दिखाती हूँ। हिमू इसका नाम क्या है? सॉफ्ट पेस्टल। हाँ भाई जो गीता बोल रही हो ये। चलो तुम लोग हाय बोलो सब। देखो गीता मैडम बना रही है पेंट, पेंटिंग कर रही है। इसके बाद देन देखिए गाइस गीता यहाँ पर पेंटिंग करना भी शुरू कर दी है, बट हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम लोग का ट्रेन का टाइम हो रहा है। राहुल भी रेडी हो गया तो बस अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं स्टेशन, ले लिया है टिकट, तब वेट कर रहे हैं हम लोग ट्रेन का। तो ट्रेन में अभी 5-10 मिनट हैं तो बैठे हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे। देखिए राहुल तो बैठा हुआ सीढ़ी में, यहाँ पर खड़ी हुई खड़े होके जस्ट ट्रेन का ही वेट कर रही हूँ। तो दादी लोगों को मिलने वाला है सरप्राइज़, क्योंकि हम लोग बताया नहीं है दादी को कि हम लोग आ रहे हैं करके। एक्चुअली हमको जाने का कोई प्लान ही नहीं था, हम लोग एक्चुअली सुबह ही मतलब दोपहर के टाइम ऐसे डिसाइड हुआ कि दादी का जाके, हम लोग बोले कि ज़्यादा दिन जाके दे देते दादी लोग को प्रसाद। तो जाने का था स्कूटी में, बट पापा का स्कूटी में तो पेट्रोल ही नहीं था, पापा सोए हैं ड्यूटी से आके। तो इसलिए हम लोग ट्रेन से बोले चलो ट्रेन से चल जाते। तो दादी लोगों को मिलेगा अभी सरप्राइज़, यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट हो गया है ट्रेन आने का। ओके गाइस चलो व्लॉग बने रहो आप लोग, मिल दूँ मैं अब आपको दादी के घर। हेलो गाइस मैं आ गई हूँ दादी के घर। ओके मैं आप लोग को मिलाती हूँ मेरी दादी बुआ से। मेरी दादी यहाँ पे बैठी है, दादी हाय पहले। देखिए मेरी बुआ हम लोग चाय बना रही। बेचारी मेरी बुआ का तबीयत खराब है गाइस। घर में देखिए जब को घर का चूना दिख रहा है ना, ये मेरी बुआ की है। चूना के साथ साथ घर का सेटअप भी चेंज हो गया। अरे देखिए ये सोया पड़ा है। बस देखिए कितना अच्छे से किए चूना। ये फ्रिज अंदर था अभी बाहर हो गए। ये देखिए तो बस यही है। चलिए मैं आपको बकरी लोग से मिलवाती हूँ। सामने में चारों देखिए गाइस, देखिए इसकी मम्मी बैठी हुई है, देखिए इसकी मम्मी, देखिए उसका बच्चा, देखिए ये कालू छोटा कालू गोर के वहाँ पे है, देख कलवा एक ठो यहाँ पे है, देखिए को ना। चारों फैमिली एक साथ है, देखो सब फैमिली। वो बदमाश है इसलिए वो अलग से है। तो गाइस हम आ गए हैं स्टेशन, दादी घर से स्टेशन आ गए हैं। दादी बहुत जिद करी थी, बोल रही थी रुक जाओ, बट हम रुके नहीं। एक्चुअली में हम लोग किताब प्लान का आए थे, एक्चुअली में रुकने का कोई ये नहीं था, जाएंगे कभी आराम से फुर्सत से दादी से मिलेंगे, रहेंगे एक दो दिन उसके बाद जाएंगे। और बहुत जिद करी थी खा के, खाना खा के जाओ, गुस्सा भी कर रही थी। ऐसे में दादी बहुत टेंशन लेते, और इतना रात को जाने की क्या ज़रूरत है, ठंडा के दिन तो जल्दी अंधेरा हो जाता है ना। तो बस
थोड़ा टेंशन ले रही थी, इतना रात को क्यों जा रहे हो, सुबह चले जाओ। बोले नहीं हम लोग फिर आएंगे। और फिर हम लोग को और दादी हम लोग को जब भी जाते थे हम लोग को पैसा भी देती है, हम लोग को पैसा भी मिला 200 रुपीज़, मुझे राहुल को, मुझे 200 राहुल को 200। बोली दिवाली मिठाई खा लेना तुम लोग। तो बस बैठे हुए यहाँ पे देखिए राहुल भी बैठा है, फ़ोन चला रहा है, बैठे हुए दोनों ट्रेन का वेट कर, थोड़ा देर में आएगा तो घर जाएंगे। ठीक है चलो ब्लॉग बनेगा आप लोग, मिलते हूँ मैं आपसे। निकल चुके हैं घर की तरफ, स्टेशन पर राहुल का फ्रेंड आया था, वो हमें घर ड्रॉप कर दे रहा है। सो गाइस आ गए हम लोग घर, काफ़ी देर पहले आ गए थे, मैंने अपना लिपस्टिक भी रिमूव कर लिया और जा रही हूँ फिर ड्रेस चेंज करूँगी। सोचा कि पहले आप लोगों से बातें कर लूँ उसके बाद फिर जाऊँगी। तो एक्चुअली ये वीडियो कल से चल रहा था तो मैंने सोचा मैं एंड कर देती हूँ वीडियो को, कल से चल रहा और राहुल किया है हम लोगों के लिए बिरयानी लाने के लिए। एक्चुअली ये ट्रीट मेरे पापा की तरफ से, मेरे पापा बोले थे कि दोपहर में कि तुम लोग को शाम को जो खाना खा लेना। मेरी दादी भी दी थी पैसा 200 रुपीज़, बोली थी कि चाउमीन खा के चल जाना करके। तो एक्चुअली राहुल के फ्रेंड आ गया था ना लेने के लिए, तो हम लोग आके डायरेक्ट घर ही आ गए हम लोग। तो यहाँ पर घर आए तो फिर पापा बोले कि था तुम लोग बिरयानी खा लो करके, फिर हम लोग सोचे कि बिरयानी की जगह चाउमीन खाया जाए क्योंकि यहाँ पर बबलू भैया है हम लोग के घर, यहाँ पर अरोरा से बहुत अच्छा चाउमिन बनाते हैं, मिक्स चाउमिन बहुत अच्छा, मिक्स का बैच भी खाओगे तो बहुत अच्छा बनाते हैं वो। हम लोग तो जब भी चाउमिन खाते हैं ना उन्हीं के पास खाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बस राहुल ने किया लाने के लिए, वो लेके आएगा तो हम लोग खाएँगे। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, ड्रेस चेंज कर लूँगी और चलिए ऐसे वीडियो कहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना गाइस मेरा चैनल। वीडियोस देख तो लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक करो और अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ ताकि मैं मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के कमेंट से कि मैं अच्छा वीडियो बनाती नहीं बनाती हूँ। ओके गाइस चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय गाइस। आ गया है हमारा चाउमीन, ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना गाइस खाने में उससे ज़्यादा यमी है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है।